सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड अमेजिंग वर्क आप ये कर रहे हो कि बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट आप ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हो, ब्रंच ग्रंथ क्रिएट कर रहे हैं कि आप दूसरे दूसरे अनसंग हीरोज हैं जो टैलेंट है उनको अप फ्रंट ला रहे हैं, आप दुनिया को दिखा रहे हैं, उनके बारे में शेयर करें, क्योंकि हमारे यहाँ ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत होती है। बाकी बच्चे वही बदतमीजियाँ, डिस्क्रिमिनेशन, उस्ताद का नॉन सीरियस एटीट्यूड। रदिया खान, शी इज़ अ ट्रांस वूमन एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट। अगर कोई ट्रांस के ऊपर ड्रामा होता है तो उसमें व्हाई नॉट यू टेक अ ट्रांसजेंडर एज अ रोल, एज अ लीड? आप क्यों किसी एक लड़के को, एक मेल एक्टर को मेकअप करके ट्रांसजेंडर बना के बिठा दो? चाइल्डहुड की बात करेंगे तो इतना प्रेजेंट नहीं था, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे तो कौन क्यों नहीं, हमें उस चीज़ का फायदा नहीं उठाना। अगर हमें कोई चीज़ मिल रही है किसी तरह से, चाहे वो जेंडर कोई भी हो, तो इसको हम किस तरह कंट्रोल करें? आपकी कम्युनिटी में कुछ ऐसे गुरु मौजूद हैं, कोई लीडर मौजूद है जो इन पर? ने माशाल्लाह इतना प्यार दिया मेरी फ्रेंड्स ने, मेरी गुरु ने, कि फिर मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे मैसेज करते हैं, मिलने का बोलते हैं, माफिया मांगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज मी सबा सिकंदर, और ब्रंच विद क्रंच सेकंड सीजन में आपको कहते हैं वेलकम, खुश आमदीद। आप लोगों ने बाकी एपिसोड देखे और आप लोगों का फीडबैक मेरे तक पहुंचा, थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम पे जिन लोगों ने फॉलो किया बहुत अच्छी बात है, आगे गिव अवेज की कुछ पोस्ट आएंगी, आप लोग उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए वो गिव अवेज विन कर सकते हैं। कराची में शूट हो रहा है और ये परी कलेक्शन ने मुझे बड़ा ही खूबसूरत अभाया भेजा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कराची में आके कराची के लोगों से मिलके, क्योंकि बहुत बिजी और रशी प्लेस है और इसलिए आपको इर्द गिर्द शोर भी सुनाई दे रहा होगा। कैफे बोगी में मैं मौजूद हूँ और मुझे यूँ लग रहा है अगेन कि मैं किसी ट्रेन का सफ़र कर रही हूँ, इतना आर्टिस्टिक सा लुक है, सो आई एम रियली इंजॉइंग दिस। और कोशिश ये है कि हम कराची आते जाते रहें। मैं चाह रही थी कि मैं उन लोगों को सामने लाऊँ, सामने क्या, क्योंकि खुद इंडिपेंडेंट है, काम कर रहे हैं, उन लोगों से बातचीत करूँ, उन लोगों से जानूँ कि कराची में रह के आपका सफ़र कैसा गुजर है, ज़िंदगी का सफ़र, और क्या चैलेंजेस हैं आपको एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ ब्लॉगर, और किसी भी फील्ड से अगर आप हैं, एज अ सेलिब्रिटी इवन, क्योंकि मीडिया बहुत वास्ट है यहाँ का। तो वहाँ पे कराची में मेरी एक बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी एक और दोस्त है जिनसे मैं फेसबुक पे मुंसलिक हूँ, तो आई थॉट उनसे आपको मिलवाया जाए। शी इज़ रदिया खान, शी इज़ अ ट्रांस वूमन एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट है, ब्लॉगर है, डेवलपमेंट सेक्टर से मुंसलिक रही हैं, कॉरपोरेट सेक्टर से हैं, लेकिन एक इंस्पिरेशन जो मुझे उनसे मिलती है दैट इज़ हर कॉन्फिडेंस। मतलब मैंने फेसबुक पे उनको देखा, लेकिन आज भी जब मैं उनसे पर्सनली मिली आई वाज लाइक वाओ यार, मिलते ना उनसे। आइए, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आई एम गुड, वेलकम टू कराची बाय द वे, थैंक यू सो मच, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, यू लुकिंग अमेजिंग बाय द वे, थैंक यू। बस रदिया, मैंने जब सुना कि आप कराची आए हैं तो हम ना नहीं कर सकते थे आपको, थैंक यू सो मच। रदिया कैसी गुजर रही है लाइफ? बहुत अच्छी गुजर रही है, अलग 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 शुक्र है। पाँच महीने थोड़े मुश्किल गुजर रहे थे जब लॉकडाउन हुआ, आई लॉस्ट माई जॉब, लेकिन अब एक कॉर्पोरेट सेक्टर में एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज एन एचआर पर्सन जॉब कर रही हूँ, तो एक न्यू एक्सपीरियंस है, और बस उस रब का बहुत एहसान है मुझ पर कि इतनी इज्जत मुझे नवाजी है कि मैं अलग अलग इदारों में, अलग अलग, पहले डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया, अब कॉर्पोरेट सेक्टर में आई हूँ, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ज़बरदस्त। क्वालिफिकेशन क्या आपकी? मैंने इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट किया, तालीमी सफर की अगर बात करें तो हाउ वाज दैट जर्नी? अगर स्कूल की बात करें तो ऑब्वियसली आपने सुना होगा कि बच्चे वही बदतमीजियाँ, डिस्क्रिमिनेशन, उस्ताद का नॉन सीरियस एटीट्यूड जो होता है आपके साथ, ये चलता रहता था। फिर जैसी जैसी आप उम्र बढ़ती है तो फिर मैंने अपनी 9 मैट्रिक में स्कूल जाना छोड़ दिया। ओके, प्राइवेट? प्राइवेटली किया, स्कूल से मुख्तलिफ थी, लेकिन मैंने कोचिंग सेंटर्स प्रेफर करे, स्टूडेंट्स का रवैया कुछ ज़्यादा ही बुरा हो रहा था, उस वक्त आपकी मेंटल हेल्थ पे भी अफेक्ट होता है, लेकिन फिर मैंने अपने कॉलेज और भी प्राइवेट किया। तो चाइल्डहुड की बात करेंगे तो इतना प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि उस वक्त आप अपने आप को कुछ और समझ रहे थे और लोग कुछ और समझ रहे थे। एक होती है बींग अ ट्रांसजेंडर, इट्स अ जर्नी खुद को पहचानने के लिए, लेकिन सोसाइटी आप पे अलग अलग लेबल्स लगाती है, आप ऐसे हैं, वैसे हैं, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जैसे जैसे आगे ज़िंदगी बढ़ती गई, दूसरे लोगों से मिलती गई, अपनी कम्युनिटी में इतना प्यार मिला कि वो जो स्कूल में तकलीफ़ें थीं या अपने बचपन के दोस्तों से की जो नादानियाँ उस या फिर सैडनेस बोलो उसे आप,
वो सब बुला दिए, कम्युनिटी ने माशाल्लाह इतना प्यार दिया, मेरी फ्रेंड्स ने, मेरी गुरु ने, कि फिर मुझे पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी आज तक। आज भी जो मेरे दोस्त हैं बचपन के, वो मुझे मैसेज करते हैं, मिलने का बोलते हैं, माफ़ियाँ मांगते हैं। मैंने कहा सुख के बचपन की बात थी, अब तो हम बड़े हो गए। हाँ, होता रहता है। ये इंडिपेंडेंट जब आप हो जाते हैं ना, तो वो चाहे आप किसी भी जेंडर से हो, मेल हो फीमेल हो, ये लोगों का रवैया ऐसा ही है, हमारी सोसाइटी का हिस्सा है कि जब कोई इंसान ऑलरेडी स्ट्रेस में होगा, परेशान होगा, आवाज़ें कसेंगे, ताने तुछने देंगे, बातें करेंगे, और जब वो किसी पोजीशन पे पहुंच जाता है, फिर आपके ऐसे रिलेटिव्स भी निकल आते हैं जिनका आपको नहीं पता होता, मामे चाचे ताए कज़न शज़न सब आपके सर पे सवार होते हैं, यू नो, फिर हर कोई आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। तो कैसा रध्या, आपको लगता है कि ट्रेंड चेंज हुआ है, लोगों की मेंटेलिटी चेंज हुई है वक्त के साथ? आई थिंक अगर हम 5 साल पहले देखें और अब देखें, थिंग्स हैव अ लॉट चेंज। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे मैं US में एक स्कॉलरशिप मिली जिसमें मैं होके आई, यूनिलीवर के साथ मैंने कंसल्टेशन की, जो जिसमें माशाल्लाह यूनिलीवर ने दो ट्रांस को एज वाइट कॉलर ऑफिसर हायर करा लाहौर और कराची में। तो आई थिंक वक्त बदल रहा है, लोग काम करना चाहते हैं, पर आई थिंक वो जो एक बात होती है ना कि ताली दो हाथों से बजती है, कुछ ज़रूरत लोगों में भी है डेवलप करने की, कि एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस तो हमारे यहाँ आ रही है, लेकिन एक्सेप्टेंस होने का भी क्या फ़ायदा। अब लोग मुझसे बोलते हैं, मैं डिफरेंट सेक्टर में जगहों पर जाओ ना, तो आपको बोलते हैं यार आप तो चलो जॉब करें, पर बाकी कम्युनिटी का क्या, जो बैगिंग कर रही है डिफरेंट एक्टिविटीज़। मैं कहती हूँ मेरी बात सुने, अगर आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे तो कौन क्यों नहीं काम करना। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी ऑब्वियसली, देखिए पेट तो सबका है, अपने आप को भी सपोर्ट करना है, अपनी माँ को भी सपोर्ट करना है, फैमिली को भी करना है, साथ ना होते हुए भी बहुत सारी ट्रांसजेंडर्स करते हैं। बट मेरी खुद की जो गुरु है मेरी, जिनके साथ मैं रहती हूँ, शी इज़ अ वेल नोन एक्टिविस्ट, शी इज़ आदि, शी वर्क्स ऑन वायलेंस, उन्होंने मुझे हमेशा मेरी एजुकेशन में, मेरे करियर में सपोर्ट करा, वो खुद भी एक काउंसलर है। तो आई थिंक इट हैपन, बहुत सारी फ्रेंड है, मेरी एक फ्रेंड है सारा, शी इज़ अ डॉक्टर इन मेकिंग। तो ऐसे ऐसे आई थिंक चेंज आ रहा है। अब देखिए आपको डिफरेंटली पता चलेगा, एंकर्स भी होते हैं एंड दे आर डिफरेंट, लाइक रीम इन इस्लामाबाद इज वर्किंग इन पुलिस डिपार्टमेंट। तो आई थिंक चेंज आ रहा है, चेंज इज कमिंग, बट ये कि कम्युनिटी भी थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस में आएगी जब आप अपॉर्चुनिटीज देंगे। कहते हैं कि आपकी कम्युनिटी में टैलेंट नहीं है, आई थिंक टैलेंट जब आएगा जब आप अपॉर्चुनिटीज देंगे। हमारे यहाँ इदारों ने प्ले रोल ये किया है कि आपको बिठाएंगे, आपको बोलेंगे अच्छा हम आपको सिलाई कढ़ाई का कोर्स कराएंगे, आपको इंस्टीट्यूट बोलेंगे आपको हम इंग्लिश का कोर्स करा देंगे, ये कोर्स करा देंगे। देखिए एजुकेशन तो नहीं, और हमारी यहाँ मेरिट सिस्टम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट्स व्हाट आई सी, क्योंकि मुझे भी मेरिट पर जॉब मिली, लेकिन एजुकेशन जिनके पास नहीं है उनको जॉब कहाँ मिलेगी। अब मैं इस्लामाबाद की बात है, आई थिंक देयर इज एन आर्ट्स एंड कल्चर यूनिवर्सिटी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आई वेंट देयर इन 2017 विद ग्रुप ऑफ ट्रांसजेंडर। तो वहाँ पर उन्होंने बुलाया बिठाया, फिर बाद में इन द एंड ऑफ मीटिंग वी वुड हायर ट्रांसजेंडर एज गिवन स्कॉलरशिप टू देम हु हैव प्रसीड 12th ऑफ अदर स्टडीज। वहाँ पर अ लॉट ऑफ ट्रांसजेंडर गेट वेरी डिसअपॉइंटेड, उन्होंने कहा भाई हमारे पास तो 8वीं और 7वीं तक है। That's why I encourage people and organization to make vocational training center. हाँ। और ये इवन हमारे लॉ में भी है, वोकेशनल ट्रेनिंग होंगी तो आपके पास जो हुनर है, जो स्किल्स हैं, आप उसको पॉलिश करके आप कौन क्यों नहीं अपने उसके सोर्स ऑफ इनकम बनाएगा। बिल्कुल। एंड देट वॉज आई वॉज वर्किंग इन अकूवत, तो वी वर इनकरेजिंग ट्रांसजेंडर्स कि आप अपने स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करें एंड गेट गिव देम स्मॉल बिजनेस लोन्स। क्यों नहीं, कौन नहीं चाहेगा, लेकिन हमारे यहाँ अ लॉट ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन ने बिठाया, बुलाया, तस्वीरें खींची, फिर बाद में कुछ नहीं हुआ, पॉइंट जाए कहाँ गए किसी को नहीं पता, लेकिन उस ट्रांसजेंडर को जो बैठी थी, जिसको आपने एक उम्मीद दी, उसको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, और बाद में उसने कहा ये ज़िंदगी ज़्यादा बेटर है इस ज़िंदगी से। एग्जैक्टली, ये सवाल आई थिंक सबसे बुरी चीज़ आप कर सकते हो ना किसी के साथ, उसको एक होप दो कि हम आपको ये दिखाएं, आप किसी को एक होप दो कि आपको एक अच्छी लाइफ गुजारने का तरीका सिखाएंगे, या आप यू कैन डू बेटर इन लाइफ। आई थिंक ये होप बहुत बुरी होती है, इसलिए मुझसे भी कोई कभी कुछ बोलता है कि जॉब के बारे में, आई थिंक मैं ही दो बातें बोलती हूँ, मैं कोशिश करूँगी, मैं वादा नहीं करती, पर प्लीज़ अगर ना हो पाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बिकॉज आई नो कि मैंने भी देखा है, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है इस सेंस में कि आई वर्कड इन रेस्टोरेंट्स,
I work in KFC and I'm not sorry the name. It's okay. मतलब brand में उसमें food chains में आपने food chains में मैंने काफी काम किया before working in the development sector. मुझे पता है मेरे gender basis पे मुझे रखने के बाद मुझे gender basis की वजह से terminate किया था because they said their customers were not feeling it. तो ये डिस्क्रिमिनेशन मैंने भी देखी है, मैंने अपने कॉलेज में देखी है, मैंने स्कूल्स में देखी है. और हमारी कम्युनिटी को लेबल ये किया जाता है कि आपकी फैशन और मेकअप इंडस्ट्री डेथ. व्हाई नॉट अ ट्रांसजेंडर कैन बी अ डॉक्टर, व्हाई नॉट अ ट्रांसजेंडर कैन बी अ पुलिस ऑफिसर. दिस इज हैपनिंग, चेंज आ रहा है, इसको ही हम चेंज बोलते हैं. लेकिन लोगों को समझने की जरूरत है, सोच को चेंज करने की जरूरत है. सर जो मैंने पहला सवाल सेकंड किया उसके पूछने की वजह ये थी, जो आपने एट द एंड बताया, और मुझे भी उन ऑर्गेनाइजेशन से उन अदारों से बहुत गिला है. एज अ सोशल एक्टिविस्ट मैं भी बहुत डिसअपॉइंट होती हूँ. समटाइम मेरे पास आते प्रपोजल, अब हमारी राशन ड्राइव रही, आप भी बिजी रही रमजान राशन ड्राइव में, कोविड 19 में हमारी भी वहाँ पे रही. अब जब मुझे राशन चाहिए था उसमें मुझे अब दूसरे जेंडर्स को भी एंट्रो करना था, क्योंकि आपने उनके नाम पे बहुत सारा फंड अरेंज कर लिया है, तो आपने टैग लगाना है कि हमने ट्रांसजेंडर्स के लिए काम किया है. ऑल्दो वो नहीं होता, ग्राउंड फ्लोर पे रियलिटी और होती है, उन तक ये चीजें पहुंचती भी नहीं. आई थिंक कराची की बात, मैं सबको तो कैटर नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता इस्लामाबाद में. आपको पता है यू कैन नो एवरीथिंग. मैं इतना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी. कराची में जिया ऑर्गेनाइजेशन है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, जनरल इंटरएक्टिव, बिंदिया राणा का नाम भी सुना होगा अपने, कराची में बहुत बड़ा नाम है, वो लीड कर. तो मुझे याद है कि जब जेंडर इंटरएक्टिव के पास कम्युनिटी के लिए राशन आ रहा था ना, कम्युनिटी को तो किटे कर रहे थे, साइड में जो वाइट कॉलर्स फैमिली है वो जाके उनको भी दे रहे थे, उनको बुला के दे रहे थे, जो जिनके जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनको भी केटर किया ट्रांस कम्युनिटी ने खुद. तो आई थिंक हम जब काम की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में दो चीज़ें आती हैं, डाइवर्सिटी इंक्लूजन तो है, पर इंटरसेक्शनैलिटी भी बहुत ज़रूरी होती है. सबको साथ लेके आप चलोगे तो यू वुड बी मच मोर सक्सेसफुल. कराची में तो ये एक छोटी सी एक मैंने एग्जांपल शेयर करी आपके साथ बिंदिया जी के बारे में. तो नहीं, अगर पर्टिकुलरली किसी चीज़ के लिए है तो अगर उनकी ज़रूरत पूरी हो रही है तो वाई नॉट आप किसी और को प्रोवाइड करते हो, ज़्यादा ज़रूरत न. बिल्कुल. अच्छा एक और चीज़ है अरदिया, कराची के हवाले से हम बात करें, इस्लामाबाद के हवाले से, अब समटाइम अब एक और चीज़ बड़ी आ गई है, ये खवातीन मी टू मूवमेंट चली, कहा गया जी खवातीन ने हरेसमेंट का इल्ज़ाम ज़्यादा लगाना शुरू कर दिए, ज़्यादा बातचीत होने लगी है. अब जरा से कोई बात भी कर रहा है तो वो अपने बेनिफिट के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है कि समटाइम जैसे हमारे यहाँ झूठ का एक आंसर पाया जाता है, इसी तरह ट्रांस कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा हरेस होती है. बट पॉइंट इज दिस अगेन कि हमें उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाना. अगर हमें कोई चीज़ मिल रही है किसी तरह से, चाहे वो जेंडर कोई भी हो, तो इसको हम किस तरह कंट्रोल करें. आपकी कम्युनिटी में कुछ ऐसे गुरु मौजूद हैं, कोई लीडर मौजूद है जो इन पे काम कर रहे हैं, जिनके साथ आप लोग मुंसलिक होते हैं रहते हैं, क्या इस पे कभी बात होती है? मी टू मूवमेंट इज़ अ वेरी डाइवर्स मूवमेंट, इंटरनेशनली भी बहुत है, स्टिल इन पाकिस्तान हम लोग भी एक्सेप्ट करें. इट्स वेरी मी टू मूवमेंट ने लोगों को बहुत इंकरेज किया है अपने हरासर अपने अब्यूज़र के इतना कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि यू कैन कम अपफ्रंट. I opened up on Facebook Me Too movement ke baare mein. I shared my harassment story. It happened back with me in school. So I think ye bahut strong movement hai. Lekin agar aap dusre transgender pe violence ki baat kare to dekhe Karachi mein abhi I think within a month 2 to 3 murders. I think 3 din pehle kisi trans on Friday ek transgender ko Malir mein dead body mili. नो वन रिपोर्टेड, नो वन आस्क, नो इन्वेस्टिगेशन. एक और मलीर में ट्रांसजेंडर है जो आई थिंक 2 महीने 1 महीने से गायब है, कुछ नहीं पता उसका. इसमें मीडिया क्या रोल प्ले कर रहा है? इन कराची माय फ्रेंड शहजादी जो मेरी गुरु भी हैं, शी इज वर्किंग ऑन वायलेंस केसेस फॉर मेनी इयर्स. तो इवन शी हैज़ वर्क विद लॉ एनफोर्समेंट. ये वो तो हम कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे कि पुलिस की कोशिश करी हमने कि अवेयरनेस पैदा करें, सेंसिटाइज करें, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी बहुत जरूरी. अब मुझे नहीं पता द मोमेंट आई वॉकड आउट ऑफ हेयर मेरे साथ क्या हो सकता है, क्योंकि एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, पब्लिक फिगर भी हूँ, और आपको नहीं पता कौन आपको स्टॉक कर रहा हो या कौन आपकी जान के पीछे हो. तो हम तो चाह रहे हैं कि पुलिस लॉ एनफोर्समेंट के साथ बैठ के बात करें, काम करें, और कोई चीज़ें डेवलप हों. देर शुड बी प्रॉपर SOPs रिगार्डिंग ऑल दिस. लेकिन ये बातें जो होती हैं ना, हम सिर्फ अभी बात ही कर सकते, जब तक लोग बैठ के आपस में बात ना करें, डायलॉग्स ना हो, तो नथिंग इज पॉसिबल.
आई थिंक डायलॉग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आपने देखा होगा मैंने इफ यू आर ऑन माई फेसबुक कि मैं अलग अलग जगहों पर जाके स्कूल्स हो गया यूनिवर्सिटीज हो गया एज अ स्पीकर एज अ गेस्ट बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से डायलॉग्स वो चलो ठीक है नहीं है वो अपने बच्चों को तो आगे जाके बताएंगे ना कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक ट्रांसजेंडर आई थी वो स्पीकर थी. ऐसे ही चेंज आता है. अगर हम मीडिया की बात करें तो ऑब्वियसली मीडिया प्लेज अ ह्यूज ह्यूज रोल चाहे वो कराची हो चाहे कहीं भी हो. अब देखें आप लाहौर जाएंगे ना कराची से उठ के तो आपको बोलेंगे कराची में तो उनको लगेगा जैसे इट्स अफगानिस्तान. हाँ. बस बम गिर रहे हैं फायरिंग हो रही है एवरीथिंग. बट ऐसा नहीं है. हमारा मीडिया ऐसे रोल प्ले करता है कि जब हमारी माएँ घर पर बैठ के कोई ड्रामे दिख रही होती है ना या कोई टॉक शो दिख रही होती है जिसमें ख्वाजा सरा ट्रांस कम्युनिटी को बैठ के मजाक उड़ाया जा रहा होता है उनको एज अ पपेट या एज अ कॉमेडी ऑब्जेक्ट दिखाया जा रहा होता है तो वो बोलेंगे कि अगर हमारी औलाद ऐसी है तो उसको तो दुनिया ऐसी देखती होगी जैसे टीवी पर दिखा रहे हैं. अगर कोई ट्रांस के ऊपर ड्रामा होता है तो उसमें व्हाई नॉट यू टेक अ ट्रांसजेंडर एज अ रोल एज अ लीड. आप क्यों किसी एक लड़के को एक मेल एक्टर को मेकअप करके ट्रांसजेंडर बना के बिठा दो. दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट. आप विजिबिलिटी ऐसे दिखाओगे कि आप अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हो विजिबिलिटी दे रहे हो. आई वुड नॉट डिस्क्लोज नेम. मैं एक ड्रामे के ऑडिशन में गई थी हालांकि एक्टिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है पर उन्होंने बोला कि एक वर्किंग क्लास ट्रांसजेंडर को दिखाने कि आप जॉब भी करती हैं. मैंने कहा ठीक है. तो मोमेंट आई वेंट देयर उन्होंने कहा कि भाई आप तो ट्रांस लगती ही नहीं है और आप तो भाई मैं हमने सोचा भाई छोटे छोटे बाल होंगे हल्की सी शेप होगी शलवार की मिसाल आप बाल कटवा लेंगी रोल के. मैंने कहा व्हाट. मैंने कहा आप दिखाना क्या चाह रहे हो. मैंने कहा आप पहले जाए आप ट्रांसजेंडर की प्रॉपर डेफिनेशन तो पढ़ें. सेल्फ आइडेंटिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट बट आप दिखाएं तो एक पॉजिटिव चीज़ ना. हाँ, तो हमारे मीडिया और इवन जर्नलिस्ट से बहुत से होते हैं जिनको ही और शी में नहीं फर्क पड़ता. प्रोनाउंसिएशन शी है. हाँ. तो कोई मुझे ही से मुखातिब करेगा तो ऑब्वियसली मुझे बुरा लगेगा ऑकवर्ड लगेगा बुरा लगेगा. तो ये हमारी मीडिया में छोटी छोटी सी चीज़ें. अब ट्रांसजेंडर के एक तो ये बहुत बेसिक मीडिया की चीज़ है. मैंने भी सिटीजन जर्नलिज्म का कोर्स किया है बहुत पहले. तो हमें सिखाया गया था कि भाई आप किसी इंसिडेंट पे गए हो किसी वाक्य पे गए हो कि अफेक्टेड फैमिली के पास गए हो ना तो आप जाके नहीं पूछोगे कि अच्छा आपको कैसा लगा कि आपका बेटा बम धमाके में मर गया. आप पहले उनको नॉर्मलाइज करोगे कम्फर्ट जोन में लाओगे फिर सवाल करो. आप वाक्य की बात करेंगे अभी बल्कि रेप केसेस जब होते हैं ज़ैनब वाक्य हुआ था तो मोस्टली एंकर जो कि प्राइम टाइम शो कर रहे हैं बहुत बड़े टीवी चैनल्स पे हैं उनके वालिद को फोन कॉल्स पे लेकेंगे आपको कैसा महसूस हो रहा है. आप इंसान है क्या है मतलब आपके घर में कोई ट्रेजेडी हो और कोई उस वक्त आके आपसे पूछे कि आप कैसा महसूस करें क्या आपका मुंह तोड़ने का दिल नहीं चाहेगा. हमें एज अ इंसान सेंसिटिव होने की ज़रूरत है. हमें समझना है कि हमने क्या वोकैबुलरी यूज़ करनी है हमने कब कौन सी कहाँ पे बात करनी है. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. तो अरध्या हमने इश्यूज पे बात की. चेंज तभी आएगा जब हम डायलॉग करेंगे बातचीत करेंगे. इसके अलावा कोई चीज़ आप ऐड ऑन करना चाहें जो आप चाहें कि व्यूअर तक पहुँचे और हम उस पर बात करें. मैं बस व्यूअर से ये कहना चाहूँगी कि जहाँ मैं हर जगह जाती हूँ बात करती हूँ कि ट्रांस हो मर्द हो या औरत हो यार आपको सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ रखनी चाहिए कि वी ऑल आर ह्यूमन बींग और बेसिक ह्यूमन राइट्स तो हर किसी की ज़रूरत होती है चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो कहीं बैंक में जाके आप अपना अकाउंट क्यों ना खुलवा रहे हो. दीज आर बेसिक ह्यूमन राइट्स. तो प्लीज़ आप अपने आगे पीछे भी देखा करें कि आपसे ना हो रहे हो कोई ना कर रहे हो किसी की राइट्स वायलेट. और एक और एडवाइस ये होती है कि वी आर वन ऑफ द एग्जिस्टिंग सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी एज वेल. मैं एडवाइस देती हूँ ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल है नेशनल असेंबली ने 2018 में पास किया. एक दफ़ा खोल के पढ़ लेंगे तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की सोसाइटी में राइट्स क्या है. क्योंकि आपको भी क्या आपको नहीं पता आप कौन सी राइट वायलेट कर रहे हो. और आई वुड से कि अगर आप चेंज चाहते हो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हम चेंज कैसे लाएं हम क्या अपॉर्चुनिटी. आई थिंक आप अपने घर में बात करना शुरू करो मम्मी पापा बहन भाई बेस्ट फ्रेंड से ऐसे ना एक डायलॉग डेवलप विद इन आप कर रहे हो और मे बी आप एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लो चाहे किसी एक ट्रांस को पढ़ा दो या एक ट्रांस को छोटी सी जॉब दे दें. अगर किसी को सिलाई कढ़ाई आती है उनकी कारोबार में हेल्प कर दें या कोई स्कूल पढ़ना चाहता है. मेरी फ्रेंड है हर नेम इज मिना है शी इज़ अ वेरी वेल नोन टिकटॉक सेलिब्रिटी. तो मुझे किसी ने कहा कि वाई आर ट्रांस नॉट फेमस ऑन टिकटॉक. मैंने कहा ट्रांस आर फेमस ऑन टिकटॉक बट दे डोंट गेट अपॉर्चुनिटीज. आई थिंक टिकटॉक भी एक अभी मीडिया का अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है ब्रांड्स ऑल्सो प्रमोट
तो अगर वहाँ भी कोई है वो आर वर्किंग वेरी हार्ड तो आई थिंक आप उनको भी अपॉर्चुनिटीज दें, क्योंकि ऐसे ही ना कॉन्फिडेंस डेवलप होता है. आपको नहीं पता ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में कितना टैलेंट है, कितना हुनर है, बस एक एक सपोर्ट की ज़रूरत है, एक अपलिफ्ट की ज़रूरत है. और फिर आप देखें, आपको पता होगा कि माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी कितनी प्रोग्रेस कर रही है मेन स्ट्रीम सोसाइटी इंशाल्लाह. और क्योंकि मैंने बताया कि रदिया इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड और मैंने ज़्यादा बातचीत नहीं की, कभी जाना नहीं, लेकिन ब्रंच विद क्रंच सेकेंड सीजन के तौर पर हम उनसे बातचीत अब इस हवाले से करेंगे. व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड बाय द वे? ऑब्वियसली बिरयानी. बिरयानी, कराची वालों को बिरयानी बहुत पसंद है. स्पाइसी बिरयानी. यस. योर फेवरेट कलर? ब्लैक. योर फेवरेट मेमोरी? US. ट्रैवलिंग का शौक है? यस, अलोन. फेवरेट परफ्यूम? आई थिंक फिलहाल J. यू आर वेरी चूसी अबाउट योर ड्रेसिंग, मैंने जब भी देखा है. फेवरेट ड्रेसिंग क्या है? आई थिंक इट वुड बी so depends on occasion. I would prefer desi with shalwar kameez or long kurtis and maybe shirts and jeans. But sabse zaruri ye hota hai whenever I'm picking it, main comfortable kis mein. Aage koi bhi uncomfortable ho, apni comfort bahut zaruri hoti hai, because obviously in the end I'm wearing. Your favorite hobby? My favorite hobby is nowadays to watch cartoons on YouTube. Koi secret talent? I am very good in observing people and I can be a very technical person when it comes to spying. I can raaz nikalwa leti hu logon se. That's wonderful janab. Agar aisi koi opportunity maujood hai, koi spy chahiye, main sochu Karachi mein aapko hire kar leti hu. Because Karachi ke logon ke bare mein do teen main apne bare mein batana chahungi. So jo logon ne mujhe advise, people love my smile by the way. मेरी स्माइल पता नहीं क्यों लोगों को अच्छी लगती है. एंड माय हाइट इज 6, बट लोग बहुत इंस्पायर होते हैं. लड़कियां बहुत इंस्पायर होती है, कहीं भी जाओ, माय गॉड आपकी 6 feet हाइट है. मैंने कहा ले लो बहन, मुझे नहीं चाहिए. मुझे कभी नहीं चाहिए थी इतनी लंबी हाइट. किताब पढ़ने का कोई शौक है? आई वॉज रीडिंग रिसेंटली कराची और किलिंग. कराची और किलिंग. फेवरेट सिंगर? आई थिंक इज अरिजीत सिंह. एक्टर? एंड ज़ैन मलिक. ओके. एक्टर? इन पाकिस्तान और लॉलीवुड. बॉलीवुड. कोई ऐसी मूवी या सीरीज जो याद रहेगी? आई थिंक जो रिसेंटली सीरीज दिमाग में है, दैट इज नेटफ्लिक्स 13 Reasons Why. इट्स वेरी सेंसिटिव टॉपिक. एंड बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और ब्रंच विद क्रंच के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? आई थिंक आई वुड सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि थैंक यू फॉर हैविंग मी. एंड अमेजिंग वर्क आप ये कर रहे हो कि बींग अ सोशल एक्टिविस्ट आप ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हो, ब्रंच क्रंच क्रिएट कर रहे हैं, कि आप दूसरे दूसरे अनसंग हीरोज हैं, जो टैलेंट है उनको अप फ्रंट ला रहे हैं, आप दुनिया को दिखा रहे हैं, उनके बारे में शेयर करें. बिकॉज हमारे यहाँ ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत होती है. सो आई एम रियली थैंकफुल. आपने पहले भी इस्लामाबाद में मेरी जो ट्रांस फ्रेंड है अलीशा, उनका भी इंटरव्यू किया था. तो आई एम रियली थैंकफुल कि ट्रांस कम्युनिटी को ऐसी विजिबिलिटी और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत होती है. So once again, I wish Sabha you and Prince with Crunch a lot of wishes, a lot of support and love. ऐसे ही अच्छा काम करते रहे और आगे भी आपको बहुत सारी कामयाबियाँ मिले इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. और बिल्कुल जनाब, आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं. जितनी भी बातें इश्यूज हमने उठाए, बात की, उसका ये मकसद नहीं होता, वो तो सभी देख रहे हैं ना, सबको पता है, लेकिन एक्चुअली काम करने की ज़रूरत है. तो हम ये चाहते हैं कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो सकता है कि किसी एक पर्सन को बात दिल को लग जाए, चेंज आ जाए, हो सकता है कोई ट्रांस कम्युनिटी में से ही कोई मोटिवेट हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए उनमें, जैसे अरदिया इतना अच्छा काम कर रही है. बाकी जितने भी हमने नाम लिए, आप लोग भी कर सकते हैं. यू कैन डू इट. आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, इंडिपेंडेंट होना है. लोग चाहे कुछ भी कहें, लोग तो करेंगे बातें. एंड इट्स नॉट अबाउट इवन जेंडर. आपने देखा बच्चों के साथ ज्यादतियाँ हो रही है, खवातीन के साथ हो रही है, बाकी तमाम जगहों पर क्या हो रहा है, सबको पता है. सो बी कॉन्फिडेंट, बी इंडिपेंडेंट, कभी भी गिव अप ना करें. दैट्स ऑल. इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, साथ साथ जुड़े रहिए. दैट्स ऑल. अल्लाह हाफिज़.